Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about Section 151 of Pakistan Penal Code 1860. सेक्शन 151 में आज हम पढ़ेंगे नोइंगली ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन असेंबली ऑफ़ फाइव और मोर पर्सनस आफ्टर हिट हैज़ कमांडेड टू डिस्पर्स अब वो कह रहे हैं कि ऐसी असेंबली जो कि फाइव और मोर पर्सनस की हो उसे ज्वाइन करना जब आपको पता हो कि उस असेंबली को डिस्पर्स करने का हुक्म दे दिया गया है और फिर भी आप उस असेंबली को ज्वाइन कर रहे हो और कंटिन्यू रख रहे हो तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी तो ऐसी असेंबली को ज्वाइन करना और कंटिन्यू रखना जो कि असेंबली हो फाइव और मोर परसेंट्स की लेकिन लाइकली टू कॉज पब्लिक डिस्टर्बेंस और वो पब्लिक को डिस्टर्ब कर, कर रही है पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रही है या फिर कर सकती है और उस असम्बली को डिस्पर्स करने का हुक्म दे दिया लेकिन फिर भी आप नहीं डिस्पर्स हो रहे और कंटिन्यू रख रहे हो और इसे ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी पनिशमेंट होगी एम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू सिक्स मंथस और विद फाइन और बोथ के छः माह तक की उसकी सज़ा हो सकती है और उसके साथ फ़ाइन भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ है जो समझने वाली है अब हम बज़ाहिर देखें तो सेक्शन 151 और सेक्शन 145 इसमें सब कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि 151 और 145 एक जैसा सेक्शन है लेकिन इसमें एक स्लटेस्ट डिफरेंस है वो ये है कि सेक्शन वन में यहाँ पर अन लॉफुल असम्बली की बात हुई है कि आप अन लॉफुल असम्बली को ज्वाइन कर रहे हो या कंटिन्यू रख रहे हो जबकि उसको डिस्पर्स होने का हुक्म दे दिया तो उसकी क्या सज़ा होगी लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो असेंबली जो फाइव और मोर पर्सेंट्स की होगी लेकिन वो सिर्फ वो असेंबली होगी जिससे पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रही है ठीक है ये अनलॉफुल असेंबली नहीं है क्योंकि अगर हम सेक्शन 141 को देखें तो अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ठीक है थीके? वो अन लॉफुल होगी ये असेंबली ऑफ़ फाइव और मोर पर्सन है जिसको कह दिया हो हुकूमत ने कि आप डिस्पर्स हो जाए तो वो जो होगी ना वो असम्बली फाइव और मोर पर्सन होगी जिसको ये खतरा हो कि ये पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकती है या पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रही है तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि इफ द असम्बली अगर वो कह रहे हैं कि यही असम्बली अगर अनलॉफुल हो जाए या अनलॉफुल है अंडर द मीनिंग ऑफ सेक्शन 141, जैसे कि 141 में बताया हुआ है अगर ये असेंबली uh, जो है अनलॉफुल हो जाती है या अनलॉफुल है तो फिर उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी उन ऑफेंडर्स को पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145। ये एक छोटा सा स्लाइट डिफरेंस था सेक्शन 145 में और सेक्शन 151 में तो अब कोई भी ऐसा ऑफेंडर होगा जो कि इस अकॉर्डिंग इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो होगा एक असेंबली को ज्वाइन करेगा या कंटिन्यू रखेगा तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी विच में इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू सिक्स मंथ और विद फाइन और बोथ तो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 151 फिफ्टी वन इफ यू लाइक द वीडियो डोंट प्रो टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट थैंक यू सो मच